गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट है सेकंड ईयर में, उनका पहला पार्ट है सेकंड ईयर वालों का, जिसका नाम है डीसी जनरेटर। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट हैज़ एक्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो डायग्राम है इसमें जो शो हो रहा है एक्स, जो है शो हो रहा है एक्स, उसका नाम क्या है। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए आर्मेचर कोर, ऑप्शन बी ब्रश, ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर, ऑप्शन डी कम्यूटेटर सिगमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कम्यूटेटर रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो डायग्राम दिया गया है इसका नाम क्या है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन बी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड, ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूसेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। हिंदी में, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, हिंदी में कॉर्क स्क्रू नियम। ऑप्शन बी राइट हैंड पेल्म रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। हिंदी में, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जनरेटेड ईएमएफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जनरेटेड ईएमएफ, जेड एन ऑब्लिक सिस्टी मल्टीप्लाई पी अपॉन ए वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर।
ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? एक डीसी मोटर। क्वेश्चन, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस वन ए, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये दो डीसी जनरेटर का डायग्राम है, उसमें जो एक्स दिया गया है नीचे का भाग, इसका नाम क्या है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए पोल टिप ध्रुव की नोक, ऑप्शन बी पोल कॉइल ध्रुव कुंडली, ऑप्शन सी पोल कोर पोल कोर, ऑप्शन डी पोल शो पोल शो। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पोल शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का नाम क्या है? ये जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का नाम क्या है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंट जनरेटर, ऑप्शन बी सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन डी सेपरेटली एक्सिटेड जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सेपरेटली एक्सिटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर? जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए हीट ऊष्मा, ऑप्शन बी काइनेटिक गतिशील, ऑप्शन सी केमिकल रासायनिक, ऑप्शन डी मैकेनिकल यांत्रिक। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैकेनिकल यांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड? डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है? ये जो डायग्राम दिया गया है, उसकी फील्ड का नाम क्या है डीसी जनरेटर का? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लघु शंट यौगिकी जनरेटर, ऑप्शन बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन सी डिफरेंटियल कंपाउंड जनरेटर, विभेदक यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयित यौगिक जनरेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ऑप्शन बी ऑप्शन डी फेराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फेराडेस लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी एल वी वोल्ट्स, ऑप्शन बी बी एल एस साइन थीटा वोल्ट्स, ऑप्शन सी बी एल वी साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बी एल वी साइन थीटा वोल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पेल्म रूल दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है। जो डायग्राम दिया गया है डीसी जनरेटर का, इसका नाम क्या है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी पोल कोर ध्रुव कोर, ऑप्शन सी पोल शो पोल शो, ऑप्शन डी योक और फ्रेम। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी योक और फ्रेम। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़्यादा करना। और स्टूडेंट्स, ये सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है, तो आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इसको लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल सके और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी इसी YouTube चैनल के माध्यम से कंटिन्यू हो सके, ताकि आप अगली एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो सके आपका। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।